हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है टेक ऑफिस पे। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रेडमी के किसी भी डिवाइस के अंदर MIUI 12 कैसे फ्लैश कर सकते हो इजीली और सारे फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हो। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको जो फुल डिटेल मिल सके कि आप कैसे इसे जो फ्लैश कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। अभी फिलहाल मैं ऑक्सीजन वॉइस के ऊपर हूँ और मेरे पास है रेडमी का नोट 5 प्रो डिवाइस। बट जो फ्लैशिंग स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो सेम फ्लैशिंग स्टेप आप अपने पोको सीरीज वाले डिवाइस के अंदर, रेडमी के सीरीज वाले डिवाइस के अंदर या फिर MI के के अंदर जो फॉलो अप कर सकते हो। कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए कि आपके फ़ोन का जो बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपके फ़ोन के अंदर T12 भी फ्लैश होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो दिया है किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद आप अपने फ़ोन को ऑफ करके वॉल्यूम अप और पावर बटन को जो लॉन्ग प्रेस करना है आपके अपने रेडमी डिवाइस के अंदर, जैसा कि मैं यहाँ पे फिलहाल अभी कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा और उसके बाद T12 में ये बूट कर जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा जब आपने T12 फ्लैश किया है। तो अगर आपने फ्लैश नहीं किया है तो T12 आपका ओपन नहीं होगा। यहाँ पे जो वन प्लस का लोगो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस का जो रोम यूज किया था इसके पहले, तो वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो मेरा T12 जो कि पिच ब्लैक का है वो ओपन हो गया। अगर आप कोई अदर T12 यूज कर रहे हो सो डोंट वरी, स्टेप सेम होने वाला है। बट आपका रिकमेंडेड यही रहेगा मेरी ओर से कि आप पिच ब्लैक ही यूज करो अगर आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल है तो। अदरवाइज आप ऑरेंज फॉक्स, स्काई वॉक या फिर कोई सा भी ऑफिशियल अनऑफिशियल T12 यूज कर सकते हो, नो मैटर, ओके? अब सबसे पहले आपको T12 ओपन होने के बाद वाइप पे जाना है, उसके बाद आपको एडवांस वाइप चूज करना है। यहाँ पे अलग अलग T12 में अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट जितने भी ऑप्शन आपको नजर आते हैं सभी को सिलेक्ट कर देना है। बस आपको अपने इंटरनल स्टोरेज को जो वाइप नहीं करना है, ना ही माइक्रो एसडी को और ना ही USB OTG को। बाकी जितने भी ऑप्शन है सभी को सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे स्वाइप कर देना है। इसके बाद आपके फ़ोन का OS कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। अगर आप गलती से रिबूट कर देते हो तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, बूट लूप शो करेगा, तो इसलिए आपको रिबूट नहीं करना है। अब आपको होम पे आना है, इंस्टॉल के बटन पे जाना है और जहाँ पे आपने फाइलों को जो डाउनलोड करके रखा है वहाँ पे आपको जो ब्राउज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने फाइल की ओर और बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो इस स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी डिवाइस के अंदर फ्लैश तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई चाइना का बी रोम है या फिर EU का रोम है या फिर MI रोम है या फिर ऑफिशियल MIUI 12 का रोम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्टेप बिल्कुल ही सेम होने वाले हैं चाइना के लिए, ग्लोबल के लिए, EU के लिए, MI रोम के लिए और बाकी अदर के लिए। तो ये रहा हमारे पास फाइल जो कि आप देख सकते हो MIUI नोट 5 20.4.27 है, जो कि फर्स्ट बीटा अपडेट है, क्लोज बीटा अपडेट है हमारे 5 प्रो के लिए। इसे सेलेक्ट करना है और आपको स्वाइप कर देना है। यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा जो पिच ब्लैक का रिकवरी है इसने DM को ऑलरेडी जो डिसेबल कर दिया। बट अगर आप कोई अदर रिकवरी यूज कर रहे हो, ऑफिशियल ऑरेंज फॉक्स या स्काई वॉक, उसमें आपका DM डिसेबल नहीं होता है तो आपको एक पैच फ्लैश करना होगा। अगर नहीं होता है तो अगर हो जाता है ऑटो तो आपको पैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं होता है तो आपको इस पैच का यूज करना है जो कि DM वेरिफिकेशन फोर्स इंक्रिप्शन है, ठीक है? इसे सेलेक्ट करके इस तरीके से स्वाइप कर देना है। यह जरूरी है आपके ऑफिशियल चाइना बीटा या फिर ऑफिशियल ग्लोबल बीटा के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आपका T12 रिमूव हो जाएगा और बूट लूप देखने को मिल सकता है अगर आप इस पैच को जो मिस कर देते हो तो। जैसे फ्लैश होने देते हैं और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस चैनल पे आपको जो सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन हो लेना है जो कि टेलीग्राम का है, जहाँ पे मैंने जो लिंक शेयर कर दिया है आप देख सकते हो, K20 Pro का, MI 8 का, उसके बाद नीचे आते हैं तो MI 10, MI 10 Pro और Redmi का Note 5, यानी Note 5 Pro ये ग्लोबल है तो Note 5 के नाम से आता है लेकिन Note 5 Pro दोनों के लिए है। इसे ज्वाइन कर लेना है डाउनलोडिंग लिंक के लिए। जितने भी अपडेट आएंगे सब कुछ मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और एक और अनदर रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो थम्सअप दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग आपको जो वीडियोज मिल सके एवरी डे और आप उसका फुल बेनिफिट है जो ले सको। और मैं जो नया सेशन स्टार्ट किया हूँ टेक न्यूज़ का, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो टेक के न्यूज वाले वीडियो में तो आप जो इवनी इवनिंग वेट कर सकते हो मेरे टेक न्यूज़ के एपिसोड का, क्योंकि इवनी इवनिंग आप जो टेक न्यूज़ के एपिसोड देखने को मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने फ्लैश कर दिया, DM वेरीफाई भी कर दिया, अब आपको एक बार यहाँ पे वाइप कैच कर देना है और कंप्लीट होने के बाद रिबूट करके आपको करीब करीब 10 मिनट का वेट करना है। अब यहाँ पे फाइनली जो बूट कर चुका है और मैंने अपना MI अकाउंट जो एक्टिवेट कर लिया है, यहाँ पे जो मैं चाइना का रोम यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से सिलेक्टेड लैंग्वेजेज देखने को मिल जाते हैं, बट आप ग्लोबली लैंग्वेज भी इसी तरीके से
सॉरी ग्लोबली रोम भी इसी तरीके से जो फ्लैश कर सकते हो। इसके ऊपर मैं आप चाहोगे तो वीडियो भी दे दूंगा। अब इसके जो कंप्लीट सेटअप कर लेते हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है कि क्या कुछ हमें जो नया फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप स्टे ट्यून करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ऑल डिटेल यहाँ पर शेयर कर दिया है कि क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है फ्लैशिंग स्टेप्स के लिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।